और करीब महीनों के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। हम आपको देश के एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह से ही उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। घरेलू उड़ानों को देखते हुए देश भर के एयरपोर्ट पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानें कड़ी शर्तों के साथ शुरू की गई है। विमान में जाने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए खास इंतजाम किए गए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के लिए तैयारी की है। घरेलू उड़ानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खास गाइडलाइंस भी जारी की। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और फेस शील्ड लगाना भी जरूरी है। मैं यहाँ पे IT प्रोफेशनल हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली 5 महीने की बेटी है हुई है, अभी तक उसको देखा नहीं मैंने। फर्स्ट टाइम मैं देखने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं कि ये लॉकडाउन में छूट मिला और जिसकी वजह से मैं घर जा पा रहा हूँ। शुरू होने पर विमानों की एयर होस्टेस भी खास उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास है कि अपने साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी अहम है। Just a little worried, but as you know, works always come first. So there's a call from the airline, and we are ready to operate the flight. We'll make sure that take care of ourselves, and the airline is taking care of us very well. दिल्ली से आज पहला विमान पुणे के लिए उड़ा। सभी यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया गया और सभी यात्रियों को हर समय मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया। भारत में 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद से लगातार जो है घरेलू उड़ानें बंद थी, लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहां से तकरीबन 1500 फ्लाइट्स हर रोज़ हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल जो है 380 के आसपास फ्लाइटें जो हैं वो चलेंगी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो लंबे समय से अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, वो अब फ्लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। कईयों को हमने देखा कि वो फेस शील्ड लगा करके पहुँचे हुए हैं। हर किसी से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो जो चेकिंग हो रही है पूरी तरह से अपने फेस को कवर करके अपने को बचा करके। एयरपोर्ट के स्टाफ, सिक्योरिटी के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए निकल चुकी है। पुणे के लिए उड़ान भरने के साथ ही 2 महीने से जो लॉकडाउन था एयरपोर्ट्स को लेकर के, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास निर्देश दिए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 25 फ्लाइट की लैंडिंग और 25 फ्लाइट की टेक ऑफ आज से शुरू हो रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही एयरपोर्ट पर भीड़ नजर आ रही है। ये मुंबई एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल है जहां पर भीड़ आपको नजर आ रही है। लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो सारी चीज़ें कही गई हैं, उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग PPE किट लगा कर आए हुए हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी। किस फ्लाइट से जा रहे हैं? इंडिगो। इंडिगो। आज इतने दिनों बाद जब फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हैं, कैसा लग रहा है? खासकर कितने दिन से यहाँ फंसे हुए थे या फिर किसी काम के पर्पज से जा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग फंसे हुए थे। एक्चुअली हम लोग ऑफशोर में जॉब करते हैं, शिपिंग लाइन के। तो हम लोग का मतलब 19 तारीख को साइन ऑफ हो गया था, तब से होटल में है। अभी तक फंसे हुए थे, आज मिला जाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी मेरे फ्रेंड जो है उनका तो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसके लिए वो थोड़ा सैड है, घर होटल में ही रुके हुए हैं। आज बनारस के लिए फ्लाइट उड़ने वाली है, उसके लिए यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। जो एयरपोर्ट की तरफ से नॉर्म्स बताए गए हैं, DP किट पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ही अलाउड किया जाएगा। उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और एक लंबी कतार लगी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया।